हेलो फ्रेंड्स, कल तक हमने अपने आप आहार नाम के बारे में पढ़ा था। आज भी हम आहार नाम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही रोचक तथ्य, क्या होता है क्या नहीं होता है, भोजन एक बार मुंह में जाने के बाद क्या होता है उसका, उसके बारे में बिल्कुल वर्णन के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक आपको पढ़ाता हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, कल तक हमने दांतों में मानव आहार नाल के बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद बारी आई है दांतों के बारे में पढ़ा था। थोड़ी बहुत दांतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर ठीक है, फिर उसके बाद में जीभ के बारे में, फिर यवला के बारे में, ऐसे करते हुए मानव शरीर के पाचन तंत्रों की सभी तंत्रों की हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दांतों के बारे में पढ़ते हैं। दांतों के अंदर क्या क्या होता है, देखो दांतों पर दो प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। दांतों पर कितने प्रकार के आवरण पाए जाते हैं, दो प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। पहला होता है इनेमल। अब इनेमल किसी को पता नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूं कि आपके दांतों के ऊपर जो सफेद रंग की परत है उसको इनेमल कहते हैं। और दांतों के ऊपर दो प्रकार की परत है, उसमें बताया कि इनेमल होती है वो सफेद रंग की, जो आपके दांतों के ऊपर जो सफेद रंग की परत है उसको इनेमल कहते हैं। और शरीर के अंदर सबसे कठोरतम भाग, कुछ कहते हैं कि हमारी सर हड्डियां मजबूत होती है, नहीं, आपकी हड्डियों से भी मजबूत होता है दांतों के ऊपर पाया जाने वाला सफेद रंग का पदार्थ इनेमल। दूसरी परत कौन सी पाई जाती है, दूसरी परत होती है डेंटिन। कौन सी होती है, डेंटिन। डेंटिन क्या होती है, जो इनेमल से जुड़ी हुई होती है, दांतों के इनेमल होने के उसके जस्ट नीचे जुड़ी हुई होती है और उसके अंदर छोटी छोटी क्या होती है, तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं, बहुत ही पतली पतली तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं जो सीधा मस्तिष्क यानी कि दिमाग तक जुड़ी हुई होती है, डेंटिन के बारे में। ठीक है, चलिए ये तो होगी दांतों की दो प्रकार के आवरण के बारे में। अब उसके बाद में आपको पता ही है दांतों का कार्य, मैंने कल आपको बता दिया था, हृदनक कृतनक अग्रचरणक चवरणक के बारे में बताया था मैंने आपको। ठीक है, चलिए अब उसके बाद दांत के बारे हो गई। अब दांतों के अंदर देखिए, मानव के दांत जीवन में केवल और केवल दो बार आते हैं। मानव के दांत होते हैं पूरे उसके जीवन में केवल और केवल दो बार ही आते हैं। मानव के दांत जबड़ों के गिर्त में पाए जाते हैं। दांतों के दांत कहां पाए जाते हैं, मानव के दांत कहां पाए जाते हैं जबड़ों के गिर्त में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको परत के बारे में बता देता हूं, ध्यान दे दीजिए। ये आपका दांत है कुछ इस तरह से, आपको दांत है। ये जो आपकी इसके ऊपर व्हाइट कलर की परत दिख रही है आपको दांत के ऊपर जस्ट, ये शरीर के सबसे कठोरतम भाग है। आपने देखा होगा कि मृत पशुओं के दांत होते हैं वो हमेशा कभी नहीं गलते हैं। अब गलते क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे ऊपरी भाग में उसके क्या पाया जाता है, इनेमल पाया जाता है जो सबसे कठोरतम भाग है। शरीर की हड्डियां होती है वो काला कोयला बन जाएगी, लेकिन दांत के ऊपर जो इनेमल पाया जाता है वो हमेशा कई सालों तक रह सकता है। अब दांत के जस्ट नीचे पाया जाता है डेंटिन। क्या पाया जाता है, डेंटिन, परत के जस्ट नीचे डेंटिन। और डेंटिन की बात जुड़ती है तो डेंटिन से जुड़ी हुई तंत्रिकाएं होती है, कुछ तंत्रिकाएं होती है, मतलब इससे कुछ ऐसी जड़े जुड़ी हुई होती हैं। कभी आपने एक्सरे करवाया है, एक्सरे करवाते समय डॉक्टर आपके दांत चेक करने से पहले आपके दांतों को देखते हैं कि वो अभी तक जड़ों से जुड़े हुए हैं या नहीं है, सबसे पहले उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर वो जड़ों से जुड़े हुए नहीं है तो उनको वो निकालने से बेटर समझेंगे। इसीलिए आपके दांत कहते हैं ना कि दांत निकल गया, अब मैंने दांत निकलवाया है या निकाल दिया है। अब डॉक्टर ने उसको निकाला क्यों है, क्योंकि उसकी जो जुड़ी हुई थी वो जड़े अब नष्ट हो गई है, अब दांत कोई कार्य नहीं कर रहा है इसीलिए। ठीक है, चलिए अब ये आप स्क्रीनशॉट उतार दीजिए। जीभ क्या होती है, हमारे शरीर के जो मुख के अंदर जीभ होती है जो आपको दिख रहा है,
ये वाला अंग जो हमारे शरीर जीभ है, जीभ मांसपेशियों से बना हुआ मांसल अंग है, मांसपेशियों से बना हुआ मांसल अंग है। हमारे शरीर में जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जीभ होती है हमारे, उसके ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो हमें भोजन लेने पर उसके ऊपर पाया जाने वाला स्वाद बताती है कि भोजन किस टाइप का है, खट्टा मीठा खारा या कड़वा है, इस टाइप में आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए और बताते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ में जीभ के ऊपर पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे घट जाती हैं। स्वाद कलिकाएं होती हैं जैसे हमारी जीभ है, जीभ के ऊपर आपने देखा होगा कि दाने नुमा पूरी जीभ के ऊपर ऐसे दाने दाने हैं और वो दाने ही उसको कहते हैं स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं। ठीक है, अब जीभ के अंदर आप जीभ के कार्य क्या होते हैं, जीभ का काम होता है क्या क्या काम होता है, देखो बोलने में सहायक, जीभ का काम होता है बोलना, और क्या काम होता है भोजन को घुमाने में सहायक, भोजन को आप भोजन करने के बाद में उस भोजन को उल्ट फुलट करने के लिए किसका काम लेते हैं, जीभ का काम लेते हैं। और जीभ के मध्य भाग में स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है, जीभ का जो बिल्कुल एकदम मध्य भाग में है उसकी स्वाद कलिकाएं वहां पर बिल्कुल नहीं पाई जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी को दवाई लेने में एलर्जी है तो वो दवाई को सीधा अंदर रखता है, कहां पे, जीभ के एकदम बीचों बीच। और आपने कहीं कहीं देखा होगा कि कहीं कहीं मैंने पूछा कि जीभ का क्या काम है, तो जीभ का बोला सर जीभ हमारी हड्डियां तोड़वाने का काम है, हड्डियां तोड़वाने के काम आती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप कभी कभी ज्यादा एक्स्ट्रा बोलोगे तो आपको कहीं मार भी पड़ेगी, सीधी सी बात है, वो भी जीभ का ही काम है इसी तरह। ठीक है, और जीभ हमारे शरीर में किसका काम करती है, स्वाद का ज्ञान बताने के लिए काम करती है। जीभ के मध्य भाग में स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती जैसे कि आपने मैंने बता दिया है। ठीक है, अब जीभ का कुछ आकार होता है कुछ इस तरह। ठीक है, जब जीभ के सबसे पहले भाग में स्वाद कलिकाएं पाई जाती है वो आपको मीठे का स्वाद का ज्ञान पता करके देगी, और इसके देखो जस्ट पीछे वाले भाग में नमकीन स्वाद, जीभ कौन सा स्वाद देगी, उसके जस्ट पीछे वाले भाग में नमकीन स्वाद, वहां पर ऐसी स्वाद कलिकाएं जाती है जो सिर्फ और सिर्फ आपको बताएगी कि नमकीन स्वाद आता है, और जीभ के सबसे अग्र भाग में आपको बताया जाएगा कि उसका स्वाद मीठा है। और उसके बाद में जीभ के जस्ट लेफ्ट साइड में इसके पास जाती है हायड ग्रंथि, हायड ग्रंथि जिसके इसको घुमाने के जीभ को अपने लचीलेपन से घुमाने के लिए कार्य करती है, और उसके अंतिम भाग में जाता है फ्रेनुलम। ठीक है, और अब आपको पता चल गया कि कड़वा हो गया, मीठा हो गया, नमकीन हो गया, खट्टा स्वाद कहाँ आता है, खट्टा स्वाद आता है जीभ के राइट साइड में, खट्टा स्वाद आपको प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान करवाती है, वहां पर ऐसी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो सिर्फ और सिर्फ आपको खट्टा स्वाद आपको ज्ञान करवाती है। देखिए चित्र बना लीजिए जिसमें देखो चित्र के आपको जीभ कुछ ऐसे आकार की होती है, और जीभ के अब यहाँ पर जीभ का टॉपिक हो जाता है खत्म, दांत के टॉपिक के बाद में हम लोग ने जीभ का पढ़ लिया है, अब थोड़ा सा यवला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों जीभ पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ेंगे यवला के बारे में, यवला क्या होता है, कुछ बच्चों को बताएंगे है, कुछ बच्चों को बतानी है, कुछ फ्रेंड्स को बतानी है कि हमारे गले के अंदर जो घंटी है उसी को ही यवला कहते हैं। यवला किसको कहते हैं, हमारे गले की जो घंटी होती है उसी को ही यवला कहते हैं। और देखो यवला भोजन को मुख गुहा से ग्रसनी तक, हमने भोजन किया, दांतों से चीरा चबाया, जीभ के माध्यम से उलट फुलट किया, और उसके बाद में यवला का कार्य क्या है, उसको मुख गुहा से भोजन नली तक भेजने का काम, ग्रसनी तक ले जाने का काम यवला का है। ठीक है, यवला मांसपेशियों का बना होता है, जैसे कि हमने पता किया था कि जीभ होती है वो भी मांसपेशियों की होती है, उसी प्रकार यवला भी क्या होता है, मांसपेशियों का बना हुआ होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ में यवला का आकार बढ़ता जाता है, यवला हमारे शरीर के अंदर जो घंटी है मुंह के अंदर वो उम्र बढ़ने के साथ साथ में उसका आकार भी बढ़ता जाता है। आपने ध्यान से देखा होगा कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो खर्राटे लगते हैं, अब खर्राटे क्यों आते हैं यह आपको कारण पता होना चाहिए,
खराटे आने का मेन रीजन यही है कि खराटे इसलिए आते हैं कि आपके मुंह के अंदर जो यवला है उसका आकार बढ़ गया है। जैसे ही यवला का आकार बढ़ जाता है तो वो यवला का आकार आप जैसे ही आकार बढ़ता है तो सोते समय वो यवला हमारे क्या होता है हमारे सोते समय गले से टकराता है और टकराने की वजह से देखो सोते समय तालू से टकराता है। हमारे जो सोते समय सो जाते हैं उस टाइम ये अपना जो यवला है वो तालू से टकरा जाता है और उसके उस समय हम जब सांस लेते हैं मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि दोनों की नलियां तो एक ही होती है लेकिन घाटी ढक्कन होने के कारण वो दोनों अलग अलग हो जाती है। सांस लेते समय हम भोजन की घाटी ढक्कन भोजन की नली पर आ जाता है और सांस फेफड़ों में चले जाते हैं, मैंने आपको बताया था। उसी प्रकार देखिए सांस लेने के दौरान ही आपका जो यवला है वो ऊपर तालू से टकराता है और तालू से टकराने के बाद में उसमें से आवाज आती है, उसमें से एक ध्वनि निर्माण होती है जिससे हम खराटे कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए दोस्तों आज की क्लास खत्म करते हैं और इस बारे में अगर यदि किसी को पता नहीं है तो हम जनरल सामान्य विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जनरल साइंस पढ़ा रहे हैं। आप अपने दोस्तों में मित्रों में शेयर कीजिए, सबको बताइए जनरल साइंस के बारे में। हम धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे, तब तक अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, इस कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहें और अपनों को सुरक्षित रखें। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।